सर जा रहा है, सर जा रहा है। सबका भाई का माँ का बाप का सबका बदला लेगा ये भाई जान। तो आ जाए चला जाऊंगा, कल दिखाई नहीं दूंगा, परसों भी दिखाई नहीं दूंगा। सर आप देख सकते हैं आर्टिस्ट की कदर नहीं है बिल्कुल भी। तो इस समय हम दिल्ली से जा ही रहे थे और हमें यहाँ पे कुछ अलग सी गजब से भाई साहब दिखे हैं। ये देखो भाई, ये तो मूर्ति है इंसान है? एक सेकंड थोड़ा मतलब पहचानना पड़ेगा भैया, इंसान हो मूर्ति हो? इंसान है। ओ भाई इंसान ही है ये। भैया नमस्कार। राम राम भाई, मेरा नाम विष्णु जीत है। अच्छा तो सर ये आप बड़े मतलब अलग सी वेशभूषा में खड़े हुए हैं, तो मतलब ऐसी स्टैचू बन के खड़े रहते हैं? जी ऐसे ही रहते हैं, थक गए तो बैठ जाते हैं टेबल पे, कभी खड़े रहते हैं और भी कुछ ना कुछ एक्टिंग भी करते हैं। जैसे कि नमस्कार जवे सनु, माँ नकली अमिताभ बच्चन आई, आज खुद तो बहुत हो गए तुम भाई। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? जाओ पहले उसके साइन लेकर दो, मेरे हाथ भी लिख जाओ, तुम्हारे पास छोड़ है, जहाँ बोलोगे वहाँ बोलोगे हम साइन कर देंगे। आज खुद तो बहुत हो गए, आज तक तुम्हारे सिर पर कोई पैर नहीं रखा, आज खुद तो बहुत हो गए तुम भाई, आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ न पिलाया। क्या बात है, और भी कुछ मतलब जानते हो, और भी कुछ एक्ट्रेस हो? अच्छा है सर, मैं नाना पाटीकर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा है कलम वाली भाई, यहाँ कलम रखे, अच्छा है सुकून में जाग गया, अच्छा है मैं अच्छा काम करके जा रहा हूँ। किससे बातें कर रहा हूँ? भूसा भरा मेरे दिमाग पे, ए चल चल क्या देख रहा है, भूसा भरा मेरे दिमाग पे, ए जबर चल चल गाल चल उधर नहीं रहना मुद्दों के देश में। अच्छा है राजकुमार, यानी ये तरह गधे के सर पे सिंग अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे बदन पे ये वर्दी अच्छी नहीं लगती, और जानी तुम्हारे कंधे पे जो सितारे हैं ये अच्छे नहीं लगते, उतारो और याद करो दिन जो तुम कसम खाए थे देश की रक्षा करोगे। अरे भाई ये तो एकदम ओरिजिनल लग रहा है भाई साहब, गजब क्या बात है। अमृतपुरी, ओए ओए ओके मो हुआ ये ले ले लूट लाया रे तू, लगता है इनसे मंडप जला के आया है, प्रेमी है, आशिक है, पागल है, खुश हुआ। क्या बात है, मतलब टोटल कितने आप जो बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो यहाँ पे कर लेते हैं करीबन कुछ अंदाजा? अंदाजा तो 10-12 है। अच्छा और जैसे कि वो भी है वो सॉरी गब्बर सिंह, अरे वो बसंत तो चार तुम काम को भी दिखा दे, कितने आदमी थे वो दो आदमी और तुम तीन, तुम दिखा लिया था गए क्या समझ के आते, सरदार बहुत खुश होगा, सब बातचीत देगा, क्यों दिखा रहे तुम तब पे, अरे वो सामा जरा उठा तो बंदूक अब बता। तो भैया काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो ये बताइए कैसे इधर इस लाइन में आए आप, थोड़ा सा बताइए कैसे मतलब ये रहा, कैसे आ गई? ये सर मेरे पहले से ही था कलाकारी। हाँ तो ये वाला तो मैंने किसी को देख के यूट्यूब में कोई कर रहा था, मैंने उसको सीखा, तो मैंने कहा कि मैं इसी के जरिए क्यों नहीं शादी पार्टी में जाना था, फेमस होना था, इसके लिए मैंने ये होलिया जोकर वाला अपनाया। और अगर कोई आपको भारत के किसी भी कोने में शादी पार्टी में बुलाना चाहे तो क्या नंबर होगा, कहाँ पे आप मिलेंगे? नंबर है मेरा, नंबर है मैं उसको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है। हाँ ये है 93 देख लो, और मेरा नाम विष्णु जीत है, और मैं हर प्रकार का मैं करता हूँ एक्टिंग वगैरह, तो ये 937 ये okay. मेरा नाम विष्णु जीत नंबर ये है। तो काफी अजीब नहीं लगता आपको या कुछ मन में लोग उल्टा सीधा बोल के जाते हो कुछ ऐसा? हाँ जी, तो मुझे इस बात का फर्क नहीं है कि लड़की क्या सोचती है मेरे बारे में, तुम क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं है, लेकिन आज तुम उल्टा बोल रहे हो, छेड़ रहे हो या कुछ कह रहे हो, लेकिन आगे अगर मैं पास हो गया तो फिर तुम तालियां बजाओगे। अभी तो एक हाथ से ताली बजा रहे हो, बाद में दो हाथ से बजाओगे भाई। एक बार तालियां हो जाए सारे भैया के लिए, एक बार जोरदार भाई, गजब भाई गजब। तो जिसको भी अपना टैलेंट इनका पसंद आता है तो यहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं कुछ भी, क्यों सर? कोई जबरदस्ती नहीं है, टैलेंट वॉलेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ जिसकी इच्छा होता है वो दे देते हैं, मैं ले लेता हूँ, मांगते किसी से आप नहीं है। और जो है कि और भी है, गोल्डन है, सिल्वर है, लेकिन उनमें जो मेरे में टैलेंट आपको दिखाया, जैसे अगर वो आ जाए कौन, सबका भाई का माँ का बाप का सबका बदला लेगा ये भाई जान, एक दिन समय आने हुआ भाई। अब यही दिक्कत है कि मतलब आप देख सकते हो कलाकार को हटा देते हैं, मतलब ये सर ये चीज मत करिए आप, देखो सर ये चीज गलत है, मुझे पता था कि ये जहाँ पे ना मतलब एक्ट्रेस की ना मतलब वो नहीं होती, देखिए मेट्रो है सामने, सर अपना टैलेंट शो कर रहे हैं और ये हटाने आ गए, सर ये चीज मत करिए, बेचारे गरीब आदमी है अपना टैलेंट शो कर रहे हैं।
क्योंकि ना भाई आप जैसे भाई ना भाई अंदर जाते नहीं, कहते कि वहाँ पे देखो भाई कंप्लेंट करते हैं। सही बोल रहे हैं ना, उनका भी कहने का तरीका सही, उनका भी कहने का तरीका सही है। वो बेचारा अपना पेट के लिए कुछ भी कर रहा है ना, नहीं मेरी बात सुनिए, वो बंदा अपने लिए बिल्कुल ठीक है, वो भाई भी सच वो उसके लिए सही स्टैंड ले रहा है ना, आपको भी देखना चाहिए ना उस चीज का। भैया ये किसी को परेशान ही नहीं कर रहे, ये तो सिंपल अपना टैलेंट शो कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं ठीक है। आप जैसे भाई ना वहाँ पे जाके कंप्लेन भी करते हैं ठीक है ना। तो भैया ये कुछ चोरी चारी कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो ना, ये कुछ वो कर रहा हूँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ मैं इस चीज को, मैं तो भाई नहीं कह रहा कि हाँ ये भाई चोरी कर रहा है कि हाँ जी हाँ जी। आप जैसे भाई जाते हैं वहाँ पे ना, कहते हैं कि भाई देखो वहाँ पे ना यार वो बंदा भाई वैसे भी कर रहा है, ये बताओ भाई हम किसको भी कहेंगे। हाँ जी, वो मतलब क्या कह रहे हैं आपसे कि ये उनको परेशान कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया कर रहा है वो? भाई ये नहीं कर रहा ना, तो भाई पब्लिक को ना आते जाते ना, उन्होंने कहते हैं भाई वो किसी को डिस्टरबेंस नहीं कर रहा, वो अपना एक कलाकारी दिखा रहा है बिल्कुल, लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पास में आ रहे हैं, किसी को बुला तो रहा नहीं है वो। आप किसे भाई भाई बहुत है यहाँ पे कि ना भाई अंदर जाके करते हैं कंप्लेंट करते हैं ठीक है, आप कंप्लेंट करते हैं वो बात ठीक है, बात खत्म हो गई ना भैया, ये अभी यहाँ पे रहेंगे है ना, यहाँ पे रहेंगे, अब आपको पता लग गया ना गलत नहीं है, आप यहाँ पे रहेंगे ना, ये ठीक है ना भैया, बात करके वो खड़े हुए हैं और मैं और सारे लोग बोल रहे भैया किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे, कंप्लेंट लोंडा कुछ कमाने के लिए खड़ा, तू मतलब अजीब गेम खेल रहा है भाई, इंडिया के अंदर ना टैलेंट की कदर नहीं है यार, इस वजह से ना इंडियन जो है ना बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है, हमारा फुल सपोर्ट है। यहाँ पर अभी देखो, सुनो यहाँ पे अभी देखो कितनी लाइन लग रही होगी, वो बंदा अपना कलाकारी दिखा रहा है यार, उसको तो कम से कम उससे बंदे जुड़ तो रहे हैं, आप यहाँ देखो ना कितनी सबको हटाओ ना फिर, या कितनी स्टोर लगी हुई है उनका हटाओ, यहाँ पे स्पेशल आगे भी खड़े नहीं होगा ठीक है ना, एक काम नहीं होता यहाँ 50 जने बैठे, देखो आप भी इंसान हो, आप भी किसी की मजबूरी समझो, देखो यार हमारी भी तो मजबूरी नहीं, आप देखो ना थोड़े बहुत चारे वो भी यार हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं ये बताओ भाई हमारी भी तो हम मजबूरी है भाई, देखो भाई भाई मेरे हिसाब से तो वो गलत नहीं कर रहे, देखो और सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग तो गलत नहीं होंगे भैया, भाई वो क्या कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा यार, गलत बोल रहे हैं, नहीं कह रहा कि भाई एक चीज बताऊं, ईस्ट दिल्ली में ही ऐसा होता है, हौज खास वगैरह जाकर के देखो, उन मेट्रो स्टेशन पे ना हम बहुत शो करते हैं, अगर आप बस मैं भी रहता हूँ, कोई कंप्लेंट कर देगा तो मैं चला जाऊंगा, नहीं नहीं यार कैसी बात है, अपना आप खड़े रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेंट कर देगा मैं चला जाऊंगा, ये ठेकेदार ने भी बोला मेरे को खड़ा हो जा, कोई नहीं अपना यार अपना एंटरटेन करो, आप वो लोगों का एंटरटेन करा यार, सही बात है। तो इस समय हम शाहदरा मेट्रो स्टेशन पे हैं ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कॉल कर लेना ठीक है, मैं आपको अपना नंबर देके जाऊंगा, मैं आज आया हूँ, रोज लोग तो आऊंगा नहीं, लेकिन आप रोज आओ, आपको टैलेंट शो करो, कोई दिक्कत नहीं, भगाओगे नहीं, मैं तो आज आया हूँ चला जाऊंगा, कल दिखाई नहीं दूंगा, परसों भी दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन हाँ परमिशन मिलता है तो मैं देखो मैं भाग जाऊंगा, नहीं नहीं रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यही थोड़ा इंडिया में ना प्रॉब्लम है कि जहाँ पे इंसान कर नहीं सकता कुछ, कोई नहीं भैया, हेलो सर जा रहा है, सर जा रहा है, ये कोई ड्रामा है क्या, मेट्रो परिसर है, सर जा रहा है, सर जा रहा है, वो आगे कर लो, सर आप देख सकते हैं आर्टिस्ट की कदर नहीं है बिल्कुल भी, भैया रुको एक मिनट, एक मिनट फोन पकड़ेंगे आप, मतलब आप ऐसे खड़े होते हो तो कितने रुपए कमा लेते हो, एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, ये हमारी तरफ से रखिए ठीक है, आज आप ये मत सोचिएगा आपका दिन खराब हुआ है ठीक है, ये 1000 रुपए रखिए आप, ये इनको दे दो, ये बड़े साहब कोई नहीं चाहिए, ये ले जाइए, अभी तो हमारे देश को देख लो कौन सपोर्ट कर रहा है, नहीं नहीं हमें हमारा यहाँ नहीं खड़ा होना, चलो कोई नहीं लगा रहा है उसको, मेट्रो पर खड़ा भर रहे हैं ठीक है, हमारा ड्यूटी है ठीक है सर, जा रहे हैं, मैं मानता हूँ जो भेजपुरी में आपकी ड्यूटी है, आप जाइए जाइए आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फुल सपोर्ट है भैया को ठीक है, हमारी आगे भी मदद होगी तो हम करेंगे, थैंक यू। तो गाइस ये वीडियो ना उतने लोगों तक पहुंचाना है कि भैया की जो बात है ना आगे तक पहुंचे, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए ठीक है, वहां से भगा दिया गया, अब एक्चुअली में क्या है ना पुलिस से हम भी नहीं लड़ सकते, पुलिस वर्दी में होते हैं और हम सिविल लोग हैं, फिर हम लड़ेंगे ना तो हम कहीं ना कहीं गलत बन जाते हैं, और आपको पता है कि एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर कितनी मतलब चीज़ें गलत हो जाती हैं, फिर कि ये बंदा गलत होगा या कुछ होगा, 10 चीज़ें बन जाती हैं, बट हमने पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करी उनको ठीक है,
बाकी आप सभी मैं छोड़ता हूँ, इसको कहाँ तक इस वीडियो को आपको पहुँचाना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसके साथ ही वाली वीडियो यही बंद करते हैं, फिर से मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब्द है।